हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड में चंद्रवंश चल रहा है, ठीक है, और जल्दी ये पूरा होने वाला है। आज हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज देख लेते हैं, 61वें चंद राजा से शुरू होगा। तो शिवचंद हैं, है ना। इससे पहले हमने मोहन चंद के बारे में और प्रद्युम्न चंद के बारे में पढ़ा था। देखो, 1788 में बने ये कुछ समय के लिए, तो इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा है। तो इन्हें हर्षदेव जोशी ने गद्दी पर बैठाया था ताकि ये हर्षदेव जोशी के अनुसार काम कर सकें। इसीलिए जो है इन्हें मिट्टी का महादेव कहा गया। मतलब इन्होंने हर्षदेव जोशी के अनुसार ही चले ये, तो इसलिए इन्हें बोले मिट्टी का महादेव बोल देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 62वें और अंतिम चंद राजा कौन है। महेंद्र चंद। तो याद रखना, पहले चंद राजा कौन है, सोमचंद, और आज कौन है, अंतिम पढ़ रहे हैं 62वें चंद राजा महेंद्र चंद। तो देखो, 1788 से 1790, 1790 में देखो चंद्रवंश का अंत हो गया क्योंकि गोरखों का आगमन हो चुका है। तो देख लेते हैं, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर हमला किया, 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर भी किया था, ठीक है। तो ये लंगूरगढ़ जो हुआ था, संधि हुई थी। फिर 1790 में हवाल बाग में अल्मोड़ा में एक साधारण सा युद्ध हुआ जिसमें गोरखों ने चंदों को हरा दिया, ठीक है। तो अमर सिंह थापा ने महेंद्र चंद को हराया और उसके बाद महेंद्र चंद को मार दिया। इस प्रकार चंद्रवंश का सूर्यास्त हो गया, है ना। तो चंद्रवंश हो गया समाप्त। तो अब हम जो है इनके प्रशासनिक या शासन व्यवस्था का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं चंदकालीन व्यवस्था कैसी थी। देखो, कुमाऊं के इतिहास में चंदकाल एक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है, है ना। तो चंदों के समय जो है गौरवशाली युग रहा, संपन्न रहा। चंदों के समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई है। इस काल में जो विकसित परंपराएं हैं आज भी ग्रामीण अंचल में मिलती है। तो कुमाऊं के गाँव में आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो चंदों ने शुरू की थी। चंदों ने एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसको कुमाऊं में लागू किया। देखो, चंदों ने सत्ता कत्यूरियों से प्राप्त की थी, तो चंदों से पहले कत्यूरी थे, तो इसलिए कत्यूरी का प्रभाव भी चंदों पे रहा, है ना। तो जो जिससे पहले या बाद रहे तो उससे जरूर वो प्रभावित दिखता है। चंदों का लगातार संपर्क मुगल दरबार से भी रहा है, तो ज़्यादातर चंद राजा मुगलों के संपर्क में रहे। अब देखते हैं इनकी उपाधियां क्या थी। देखो, चंद राजाओं ने रजवार, सामंत, सार्वभौम राजा या अधिपति राजा जैसी उपाधियां धारण की हैं, ना। तो देखो, कत्यूरी के जो राजकुमार हैं वो ज़्यादातर रजवार की उपाधि धारण करते थे, जबकि जो चंदों के राजकुमार थे उन्हें महाराज, कुमार या कुंवर या गुसाई की उपाधि उन्होंने धारण की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रजवार की जो मुख्य उपाधि है वो कत्यूरियों की थी और चंदों के राजकुमारों ने महाराज, कुमार, कुंवर और गुसाई की उपाधि ली है। इसके अलावा देखो, जो राजा थे चंदों के राजा, उन्होंने राजाधिराज महाराज जैसी उपाधियां ली हैं। राजाधिराज महाराज ये उपाधि का नाम है चंदों के समय। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, चंदों के शासनादेश जो होते थे, उनके गवर्नमेंट के ऑर्डर होते थे, आदेश, वो किस भाषा में थे। तो चंदों के शासनादेश नेपाली मिश्रित कुमाऊनी भाषा में जारी किए गए। इससे पता लगता है कि यह सामान्य जनमानस की भाषा उस समय यही रही होगी, है ना। आगे देखते हैं, चंदों के ताम्रपत्र में कृष्ण, ठीक है, और जो कटार का ऊपरी हिस्सा जिसे कटार का मूठ भाग कहा जाता है ना, तो उसका चित्र मिलता है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय चंद के जो खेती खान ताम्रपत्र है उसमें लेखक को विप्र पुरोहित कहा गया। तो देखो, जो विप्र शब्द है वो हिंदी में पर्यायवाची भी है ब्राह्मण का, तो विप्र पुरोहित कहा गया लेखक को खेती खान ताम्रपत्र में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं राजा से संबंधित क्या व्यवस्था थी चंदों के समय। राजा संपूर्ण प्रशासन की धुरी था, यानी केंद्र में था। वह प्रधान न्यायाधीश भी था, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो अंतिम न्यायाधीश की शक्ति भी राजा के पास थी। राज्य की संपूर्ण भूमि उसके अधीन थी, यानी संपूर्ण भूमि का मालिक भी राजा है। गूंठ जो भूमि होती थी देते थे राजा, संकल्प या रौत, भूमिदान या तो राजा करता था या युवराज ही दे सकते थे, ठीक है। जो मंदिरों को दी जाएगी या पुजारी को या किसी विशेष व्यक्ति को, तो ऐसी जमीन देने का अधिकार किसको था, ऐसी भूमि राजा या युवराज ही दे सकता था। तो देखो, चंदों के समय युद्ध में चंद राजा स्वयं सेना का नेतृत्व करते थे, है ना। तो देखो, इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें कहीं से भी कोई पॉइंट ये प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, देखो देखो चंदों के समय ज्येष्ठ जो पुत्र होता था उसे युवराज घोषित किया जाता था, है ना। तो देखो, राजा के पुत्र तो कई होंगे, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसको युवराज घोषित करेंगे, और युवराज के पास, है ना, काफ़ी शक्तियाँ होंगी। जैसे देखो, उदाहरण है पर्वत चंद
रतन चंद और तिरमल चंद जब युवराज रहे तो उन्होंने युवराज रहते हुए भी भूमिदान किया है, ये उल्लेख मिलता है। राजा तो करता ही है, इन्होंने युवराज रहते हुए भी किया। आगे देखते हैं मंत्री। देखो चंदों के समय ना जो प्रशासन या सलाहकार थे ज़्यादा, तो उसमें देखो महारा या फर्त्याल जाति के लोगों का ही प्रभुत्व रहा। जैसे किसी चंद राजा के समय महारा ज़्यादा हैं तो वो अपने अपने लोगों को ही मंत्री बनाएंगे, महत्वपूर्ण पदों में बिठाएंगे या फर्त्याल, तो इन दो जातियों का ही चंदों में रहा है, ध्यान रखना। तो राजा इनकी सलाह मानने को लेकिन बाध्य नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। राजा को सलाह दे सकते थे लेकिन ना राजा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो मंत्रियों के अलावा देखो गुरु होते थे पुरोहित, वैद्य, लेखक, ताम्र कटक और उत्कीर्णक। देखो जो तांबे पे लिखता है उस पे है ना उत्कीर्ण करेगा, तो इन ये भी पद होते थे, तो दरबार में इनको भी स्थान मिलता था। इसके अलावा देखो दीवान का पद जोशियों को दिया जाता था, ठीक है, दीवान का पद जोशियों को ज़्यादातर दिया जाता था। और जो वेतन के बदले क्या मिलता था, अधिकांश भूमि दी जाती थी। तो पहले जब कैश नहीं होता था, नगद वेतन की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या करते थे, वेतन के बदले ज़्यादातर भूमि दे दी जाती थी, है ना। तो सल्तनत काल में देखो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था पहली बार, इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है ना। तो उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था खिलजी ने भी, ठीक है। धन्यवाद, कल इससे आगे पढ़ेंगे।